दिल में हो देश प्रेम का जज्बा तो नहीं कर सकता कोई कश्मीर पे कब्जा, खून में अगर है रवानी तो कर दो भारत माता के नाम ये जवानी, कर दो भारत माता के नाम ये जवानी। अगर हिंदू हिंसक होता तो दुनिया के 57 देशों में आज भगवा लहरा रहा होता। जब गजनी जैसे गुंडों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर का सम्मान लुटाया हो, जब दुष्ट मोहम्मद गौरी से जयचंद मिल जाते हो, जब चिता जलाकर सतियों ने सम्मान बचाया हो, तब बन करके चौहान जवानी जागा करती है। हिंदू हिंसक नहीं था इसलिए तुम आज तक सही सलामत अपने पैरों पर सुरक्षित हो और इतनी गंदी भाषा संसद में बोलने की हिम्मत कर रहे हो। जो व्यक्ति भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, जय हिंद जय भारत नहीं बोल सकता, लेकिन जय फिल्म सीन किस लिए बोल रहा है? क्योंकि वो मुस्लिम एंगल से पूरे देश का मुस्लिम नेता बना जा रहा है। भारतीय लोकसभा में सदन में शपथ के दरमियान जिस प्रकार से जो है ओवैसी के माध्यम से जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, तो वहीं पर जो अगर देखा जाए सदन की कार्रवाई के दरमियान जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बोलते हैं कि जय हिंदू, नफरत नफरत नफरत, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं सदन में आके। जय सदन जा के दे रहा है तो देश उसको जो किस परिपाटी पर जाएगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में के साथ में वंदे मातरम एक चिंगारी के संस्थापक विजयकांत चौहान जी। विजयकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत यहीं से करते हैं, ये 18वीं लोकसभा जिस प्रकार से जो है पूरे देश ने सदन को सजोया है, जिस प्रकार से सदन में जो है रहनुमाई बनाकर लोगों को नेताओं को भेजा है, और जिस तरीके जो है वहाँ पर बातें निकल के आ रही हैं, जय फिलिस्तीन के नारे निकल के आ रहे हैं, हिंदुओं के नाम पर नफरत नफरत की बातें निकल के आ रही हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बात करते हैं फिलिस्तीन वाली बात। सबसे पहले मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज भाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट, देश की संसद में इस देश के सबसे घटिया हिंदू विरोधी मानसिकता के सांसद राहुल गांधी द्वारा जो हिंदुओं को हिंसक कहा गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं ऐसे सांसदों को पाबंद किया जाए और तुरंत इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई करते हैं, इनको जेल की सलाखों में डाला जाए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी तो हिंदुओं को हिंसक कहता है, अगर हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर के अंदर हजारों हिंदू बेघर ना होते, अगर हिंदू हिंसक होता तो पूरे देश में गौ माता की हत्या ना होती, अगर हिंदू हिंसक होता तो दुनिया के 57 देशों में आज भगवा लहरा रहा होता, अगर हिंदू हिंसक होता तो सुप्रीम कोर्ट से लड़कर श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, अपने बल पर अपने दम पर स्वयं हम अपना निर्माण करके दिखाते, अगर हिंदू हिंसक होता तो आज भारत हिंदू राष्ट्र होता, अखंड भारत होता, अगर हिंदू हिंसक होता तो इस देश के अंदर एक भी मस्जिद और मदरसा ना होता, हिंदू हिंसक होता तो पूरी दुनिया के अंदर तमाम जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ सब जगह भगवा लहराता, हिंदू अहिंसा का पुजारी रहे तो महात्मा गांधी तुम्हारे जो महापुरुष हैं, उस अहिंसावादी महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म का नारा देके हिंदुओं को और मुसलमानों को चार चार शादियां और 54 बच्चे पैदा करने का लाइसेंस दिया। हिंदू हिंसक नहीं था इसलिए तुम आज तक सही सलामत अपने पैरों पर सुरक्षित हो और इतनी गंदी भाषा संसद में बोलने की हिम्मत कर रहे हो। और सबसे बड़ा हिंसक था तेरा जिसने श्रीलंका के अंदर हजारों शांति सेना के नाम पर हमारे भारतीय सैनिकों को लिट्टे के हाथों मरवा दिया। सबसे बड़ी हिंसक थी तेरी जिसने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा के सैकड़ों हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को जान से मार दिया और उन्हें आपातकाल लगन के इमरजेंसी जेलों में जेल की सलाखों में सौंप दिया। उससे बड़ी हिंसा थी तेरी जिसने निहत्ते साधु संतों पर जो गौ रक्षा की बात कर रहे, गो हत्या मुक्त भारत की मांग कर रहे, उनको सरेआम संसद के सामने गोलियों से खून दिया, सैकड़ों हजारों संतों को, बेकसूर संतों को, निर्दोष संतों को उनकी हत्या करके उनकी लाशें भी गायब कर दी और गौ माता पर भी सरेआम गोलियां चलाई। उससे भी बड़ा हिंसक था तेरा जिसने कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियों से मिलकर कबायली मुसलमानों को बुलाकर पूरे कश्मीर के अंदर हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम कराया। महाराजा हरि सिंह ने भारत देश में विलय की घोषणा कर दी, सिग्नेचर कर दी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कश्मीर को भारत में मिलने के लिए आखिरी समय तक रोका और हजारों हिंदुओं की हत्या कराई। तेरे जो सबसे बड़ा हिंसक था, हिंदुओं का दुश्मन था, समझ गया राहुल गांधी? आज मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, हिंदुओं के सब्र का बांध टूटने वाला है। तूने पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर बेकसूर निर्दोष लोगों को, भोले भाले लोगों को 1,00,000 की गारंटी का कार्ड फर्जी पकड़ा के उन्हें षड्यंत्र करके अपने पाले में डाल के वोट ले लिए उनके और देश की जनता को गुमराह किया, उन्हें धोखा दिया। इसी तरह तू देश को धोखा दे रहा है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब जब वो सत्ता में आती है
तो देश के अंदर घोटालों से लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो सत्ता में वापसी आने के लिए षड्यंत्र हथकंडे और शातिरान अंधा बढ़ाती है और हिंदुओं के अंदर जातिवाद का जहर घोल के उनमें आपस में फूट डालती है और सत्ता में फिर राज करती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है और बेनाम हो चुकी है। बच्चा बच्चा जानता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। इससे पूर्व में सरेआम केरल के अंदर, आप हिंसा की बात करो, सरेआम केरल के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने तिरंगे झंडे के ऊपर गाय रखकर काटी और हिंदुओं को चेतावनी दी, हिंदुओं को चुनौती दी। इससे बड़ा हिंसक हथियार और कौन होगा? तेरी पूरी पार्टी के तमाम लोग या तो पूरी पार्टी देशद्रोही है। विजयकांत जी, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, जेडी ने अपेक्षा करते हैं, अपनी बात अच्छे से रखिए लेकिन शब्दों का चयन जो है उचित रखिए। इन दुष्ट लोगों के लिए शब्दों की कोई शब्दों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। वैधानिक शब्दों का मैंने कहा, इन देशद्रोही हिंदू विरोधी लोगों के लिए कोई शब्दों की सीमा नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ पूरे देश के तमाम हिंदू अब हिंसक बन के दिखा दे, क्योंकि हमारी गीता का ये पूरा मंत्र जिसे महात्मा गांधी ने हिंदुओं को लिए घर घर गुंजाया, अहिंसा परमो धर्म आगे का मंत्र है। धर्म हिंसा तथैव जय, हिंसा हमारा परम आभूषण है, अहिंसा हमारा परम धर्म है। लेकिन हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा धर्म है। और हमारे महापुरुष बता के गए गुरु गोविंद सिंह जी कि आप इस अपनी कोनी पर तेल लगा के इस तेल वाली बाजू को तिल की बोरी में डाल दो, जितने भी तिल लगे उसके बाद ही इनको में आप भरोसा ना करो। हम कैसे भूल सकते हैं इन लोगों को? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार माफ किया, 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जयचंद के साथ मिलके, और उनकी धर्मपत्नी संयुक्ता को पूरे दरबार के अंदर फेंक दिया के लिए। की कौम आज तेरी पार्टी की सरपरस्त है, जहां तू वायनाड से चुनाव लड़ा उसके आसपास एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनकी बहन बेटी को सरेआम मारा जाता है, लूटा जाता है, उनके मठ मंदिर तोड़े जाते हैं तेरी लोकसभा क्षेत्र में, और तू चिल्लाता है कि हिंदू हिंसक है। उन मुस्लिम हिंसकों के बारे में तेरी मुंह से जबान निकलती है, तेरी पैंट गीली होती है, तू सांसद बनने लायक है, तू एक गली का चौकीदार बनने लायक नहीं है, किसी भी विभाग का चपरासी बनने लायक नहीं है, केवल गांधी खानदान का फर्जी लेवल लगा के। तेरा बाप मुस्लिम, तेरी मां ईसाई, और तू पता नहीं किस गोत्र का है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू कहता है, काहे का हिंदू है तू? तू तो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस तरह की जो है प्रतिक्रिया जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उन्होंने कहा कि शताब्दियों तक जो है इस प्रतिक्रिया को याद करेंगे लोग, जो हिंदू लोग। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, अब तक तुमने जितनी भी गलतियाँ करी, जितनी सरकारी सुविधाएं दी इन लोगों को, जिनको तुमने राशन दिया, सिलेंडर दिया, पैसे दिए, पेंशन दी और उससे फिर मकान दिए, ये सब सुविधा लेने के बावजूद भी इन लोगों ने आपको वोट दिया, क्योंकि उनके खून में गद्दारी है। जिन्हें महाराणा प्रताप समझा समझा के थक गए, महाराणा हरि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, हजारों लाखों महापुरुष जो इन पर भरोसा नहीं करते, इन्होंने धोखा देके बुलाया कई लोगों, हरे महापुरुषों को मार दिया, उन लोगों पे तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? और आपको इनसे उम्मीद है क्या थी? जो आपका बेस वोट है उनको सुविधा दीजिए, उनको समर्थ कीजिए, उन्हें अग्निवीर योजना के माध्यम से मजबूत कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी कभी गृह युद्ध हो, दंगा पंगा हो, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रही। ये गृह युद्ध की तैयारी करें हम। पूरे मणिपुर को इन्होंने जला दिया, पूरे आसाम को, त्रिपुरा को, केरल को, बंगाल को जलाना है। पूरे बंगाल में सरेआम हिंसा हो रही है, हिंदू लड़कियों को हिंसा करके मारा जा रहा है, और ये गांधी परिवार मौन की तरह अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ है। केवल हिंदू हिंदू जिला का है, हिंदुओं का दुश्मन है, हिंदू के लिए बताया। इंदिरा गांधी खुद अफगानिस्तान के अंदर बाबर की कब्र के मत्था टेकने की थी। बाबर वो जिसने अपने बाप को मार दिया, अपने रिश्तेदार को मार दिया, अपने आस पास कई देशभक्त हिंदू लोगों को लाशों का ढेर लगा के उनकी मीनारें बनाई। ऐसे हिंसक लोगों को तुम उनके आगे नतमस्तक होते हो, उनकी कब्रों में माथा टेकते हो, भारत विरोधी बातें करते हो, चाइना से मिलते हो, पाकिस्तानी से मिलते हो, उनसे मिलके भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हो। तुम किसी भी एंगल से भारत के नहीं लगते, तुम लगते ही चाइना या पाकिस्तान के एजेंट हो। हमें तुम्हारा डीएनए टेस्ट होते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सरकार से प्रार्थना करता हूँ, राहुल गांधी का होना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, ये कौन है, किस देश के किस बंदे के साथ इसका अटैचमेंट है। चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं, जिस तरह से शपथ ग्रहण के दरमियान जय फिलिस्तीन बोला जाता है और इसके द्वारा जय, जबकि जय अपने सदन के अंदर जय किसी भी दूसरे राष्ट्र के जय जय बोलना, उसके जय जयकारे बोलना जय कहां तक उचित है? जब अपन जय मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश संविधान नंबर 1 इसका पूरा खानदान रजाकारों का था,
आज़ादी से पूर्व इन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम सरेआम किया था। इसके पूरे खानदान ने MIM जो संस्था बनाई थी, अपनी पार्टी बनाई थी, उस MIM के जरिए बोलते जय भीम जय मीम। जय भीम और जय भीम मीम का जो मतलब है वो यही है कि भारत के अंदर इत्यादि मुसलमानों की पार्टी थी, इन्होंने मिलकर दलितों को गुमराह करके उस वक्त भी देश के बंटवारे में अपनी भूमिका निभाई। और जो हमारे जोगिंदर मंडल जी थे, जो जैसे भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर जी हैं, ऐसे पाकिस्तान के संविधान निर्माता जोगिंदर मंडल जी थे, जिन्होंने अंबेडकर जी को पूरा सीट जीतने के लिए अपनी सीट खाली करके जिताने में मदद की थी। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को आखिरी समय तक किसी भी चुनाव में कोई सहयोग किया, उनको चुनाव में हराने का प्रयास किया। उसी पार्टी का जय भीम मीम और यह ओवैसी उसी की औलाद है। वो भाग के पाकिस्तान में, उनके बच्चे आगे आ रहे, उन्हीं की एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दी AI है, ठीक है। गद्दार है ओवैसी की पार्टी, खुद है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की भारत से वफादारी की उम्मीद नहीं की जाती। जो व्यक्ति भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, जय हिंद जय भारत नहीं बोल सकता, लेकिन जय फिल्म सीन किस लिए बोल रहा है? क्योंकि वो मुस्लिम एंगल से पूरे देश का मुस्लिम नेता बनना चाह रहा है, भारत में फिर बंटवारे की नींव रखना चाह रहा है। और मैं ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत जल्द भारत का युवा जगेगा। जो जातियों में बटा था, इनके इसी कर्मकांड की वजह षड्यंत्र के कुछ दिन के लिए गुमराह जरूर हो गया, लेकिन भविष्य वो अपना सुरक्षित देखना चाहता है, भारत को अखंड बनाना चाहता है, देश को गोहत्या मुक्त बनाना चाहता है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो जल्दी तेजी से एक तूफान पूरे देश में चलने वाला है। इन तमाम नेताओं को, कांग्रेसियों को, देश के द्रोही एजेंटों को, बाहर चाइना पाकिस्तान के पैसे पलने लोगों को, इस देश के अंदर हम भगा के रहेंगे, उन्हें इस देश से निकाल के रहेंगे। जय संविधान की बात जय हो रही थी और राहुल जी ने इस बात को जय संविधान या जय संविधान का डर दिखा के संविधान खतरे में है, 400 पार के प्रत्युत्तर में नारा दिया है, क्या देखते हैं आप पार्टी, क्या संविधान वास्तव में खतरे में देश में? जितनी बार संविधान को कांग्रेस ने तोड़ा है, इतनी बार दुनिया का कोई भी संविधान बदला नहीं गया। 63 बार संविधान में संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया, और सबसे बड़ी संविधान की हत्या 1975 में कांग्रेस ने एमरजेंसी लगा की थी, देश के तमाम सारे राष्ट्रपति नेताओं को जेल की सलाखों में डाल दिया था। उससे भी बड़ा संविधान का उल्लंघन किया था जब 1945 में भारत देश के अंदर नेताजी सुभाष बोस को चुना गया था इस देश के राष्ट्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, अगर भविष्य के PM के लिए, तब भी बिना किसी वोट मिले, एक वोट नहीं मिला नेहरू को, तो महात्मा गांधी ने उसे अपनी षड्यंत्रकारी नीति के कूटनीति के जरिए मजबूर कर दिया सुभाष बोस को देश से बाहर जाने के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ने के लिए। फिर दोबारा जब देश की आज़ादी होगी, पटेल के समर्थन सारे वोट पकड़े थे, इसको एक वोट नहीं मिला नेहरू को, उस वक्त संविधान की हत्या थी, एक नेशनल एक लोकतंत्र की हत्या थी, उस वक्त ये काम मर गए थे। और देश में सैकड़ों बार कांग्रेस ने ऐसा किया है, जगह जगह कम से कम 33 बार कांग्रेस ने जो लोकतंत्र चुनी सरकार थी उनको बर्खास्त करने का काम किया। उस वक्त लोकतंत्र की हत्या कहाँ की थी? लोकतंत्र का नाम लेके जो आम भोले वाले गरीब लोगों को गुमराह करने का इनका मिशन है, इनका काम छल कपट झूठ प्रेरित है। जैसे मुगल और अंग्रेज इस देश के अंदर राज नहीं कर पा रहे थे, तो उनको सबसे बड़ा फॉर्मूला बताया कि देश के अंदर जातिवाद का जहर घोल दो, इनको आपस में लड़ा दो और आप राज करते रहो, फूट डालो राज करो, ये इनका नियम है, इनकी परंपरा है, ये भी इसी चीज़ का इन्होंने एक माध्यम हिस्सा बनाया। देश में जो 30 बार मौका दिया नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का, हालांकि जो 400 पार का जिस तरह का उन्होंने नारा दिया था, उस नारे से या उस आंकड़े से बहुत दूर पर जाए, इस बार जो है भाजपा का रथ विजय रथ जाके थम गया है, और काफ़ी अंतराल में जो है उतनी सीटें नहीं मिली जितनी जो जरूरत है वो समझ रही थी। तो ऐसे में जो है जो सरकार बनी है नरेंद्र मोदी साहब की, जो है इस कार्यकाल में क्या होना चाहिए, क्या मेरा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, जो अपना बेस कैडर वोटर है, जो निस्वार्थ रूप से आपको तन मन धन से सहयोग करता है, आपके लिए लड़ता है, समाज से संघर्ष करता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने व्यापार को छोड़ के आपके लिए काम करता है, उस बेस वोटर की ओर ध्यान दे। जिन्होंने आपको वोट नहीं देना, उनके लिए सारी देश की जो फ्री की स्कीमें सारी बंद की जाए, और पूरे भारत के अंदर तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा जाए, इनकी नसबंदी कराई जाए, दो बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुरंत जेल भेजा जाए, कि सारी सरकारी सुविधा बंद की जाए, उनके वोटिंग का राइट छीना जाए। जब तक ये कानून नहीं बनेगा, तब तक इस देश के अंदर शांति सुख नहीं होना, पूरा वर्ल्ड इसमें बढ़ती जनसंख्या से परेशान है, ये कानून अवश्य बनना चाहिए। और जितने गौ हत्यारे उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाए, उनके एनकाउंटर के आदेश किए जाए, भारत को गौ हत्या मुक्त किया जाए, और गौ माता को राष्ट्रवाद घोषित किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हम ये जल्दी सुनना चाहते हैं, 2-3 महीने में रात के 12 बजे नरेंद्र मोदी बोलेंगे, मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 12 बजे के बाद इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं, और भारत को गोहत्या मुक्त घोषित करता हूं, और इस देश की गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करता हूं, और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करता हूं, दो बच्चे इससे ज़्यादा पैदा करने वाले को तुरंत जेल होगी, सारी सुविधा छीनी जाएगी, और उसके सारे राइटिंग अधिकार छीन जाएंगे, किसी प्रकार कोई भी संवैधानिक अधिकार उसको नहीं मिलेगा। ये हम सुनने के लिए बेताब है, कब रात को 12 बजे मोदी जी घोषणा करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मोदी जी को कुछ समय के लिए हिटलर बना दे, और मोदी जी हिटलर बन जाएं। जितने गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, गद्दारों के समर्थक हैं, वो हत्यारे हैं, भारत के दुश्मन हैं, हिंदू विरोधी हैं, इन सब लोगों की लंका ऐसी लगा दें, इनको ऐसा एक बार कानूनी पार बना दे कि जीवन भर ये देश से गद्दारी करना भूल जाए, हिंदू विरोध करना भूल जाए। क्या देश जो है ना हिटलर साइड से तो चलने वाला नहीं, देश तो जो संविधान से चलेगा, संविधान से जिस तरह चलता है और संविधान को मानने वाला हमारा संविधान बंगाल में कहाँ है?
कौन चला रहा संविधान? ईडी को मारा जा रहा है, सीबीआई को अरेस्ट करके मार रहे हैं। कहां है संविधान आपका? देश तो संविधान, कहां है संविधान? बाबा साहब के संविधान से चलेगा? नहीं, संविधान बाबा साहब चल रहा है। अगली बाबा साहब तो खुद कहते मैं संविधान को आग लगा जाता हूं, खुद बोल के गए बाबा साहब। नहीं, अगली बात पे हम चलते हैं। बाबा साहब खुद कह के गए मैं संविधान को आग लगाना चाहता हूं। नहीं, हम विवाद में नहीं पड़ेंगे, अगले मुद्दे पे हम चलते हैं। आप ये बड़े आक्रोशित होकर अपनी बात रख रहे हैं, हालांकि हम आपके शब्दों से अच्छे चयन कर उम्मीद रखते थे, लेकिन उस तरह के जिस तरह के आप शब्द लेकर आ रहे हैं, अब पता नहीं कैसे आप शब्द लेकर आ रहे हैं। चलिए गए, हम सर्च कीजिए, अगली बात पे चलते। कश्मीर में संविधान कहा था? हम अगली बात पर चलते हैं। मेरे तो वो दिन संविधान की नाक के नीचे लाखों हिंदुओं को बेघर कर दिया, मार दिया, कर दिए, लूट लिया हमको, मुख्यमंत्री तोड़ दिए। संविधान कहाँ था? संविधान के रक्षक कहाँ थे? वो सरकारें कहाँ थी? मेरे तो वो दिन भी याद है जब आप जाए झंडा चौक पे, जाए लाल चौक पे, मेरी बाइक आज भी बंद पड़ी वहाँ पे, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। अकेले व्यक्ति मुझे जान से मारने का प्रयास किया वहाँ पे, मेरी बाइक अरेस्ट है, चारों को घेरा डाल के मैं भेष बदल कर निकला वहाँ से। अपने देश में तिरंगा लहराना अपराध था उसी कश्मीर के अंदर, आज सरेआम तिरंगा लहरा रहा है। ये संभव हो पाया है मोदी जी के राज में? मोदी जी ने जो 370 को हटाया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जहाँ की हजारों घटनाएं भी रोज हो रही है। अब अगले मुद्दे पे चलते हैं। आपने गाय की जिक्र किया, गौ माता का जिक्र किया, मोदी जी के नाम पे जाए कि गाय जाए पालन या गो हत्या का जाए रहना होना चाहिए कि गो हत्या करने वाले को जाए तुरंत फांसी होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। मैं इस बात पे आता हूँ, गौ का संवर्धन कैसे किया जाए, गाय को अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाए, क्या आपकी रिसर्च है? क्या आपने गाय के लिए सरकार को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, कुछ नए नियम लागू करना चाहिए जो भी गौ सेवा करे, क्योंकि गाय की सेवा से पूरे सृष्टि का कल्याण है। गाय की सेवा से पूरे वर्ल्ड में शांति आ सकती है, सुख समृद्धि और रोजगार बढ़ सकते हैं। गाय के गोबर में दुनिया भर की मतलब वैज्ञानिक लोगों ने प्रमाण किया, इतनी शक्ति है हमारी फसलों को, मतलब बहुत अच्छी तरह बेहतरीन कैसे जोड़ा जाए। युवाओं को गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित किया जाए, स्कूल के अंदर ज्ञान दिया जाए, शिक्षा में ये सिलेबस जोड़े जाए और घर घर गली गली चौराहे में कुछ ऐसे मतलब वॉलंटियर तैयार किए जाए जो गाय की सेवा से संबंधित तमाम तरह की जो एक्टिविटी है सेवा से, जो गौमूत्र से लाभ होने वाले हैं, गोबर से लाभ होने, दूध से क्या लाभ है, उसकी जानकारी दी जाए, तब जाके युवा जागरूक होगा, युवा इस चीज़ से जुड़ेगा। और कुछ लोग आजकल कहते हैं कि गौ हत्या इसलिए होती है, हिंदू गायें बेचते हैं इसलिए हम गौ हत्या करते हैं। तो मैं उन कुत्तों से कहना चाह रहा हूँ, सूअर से कहना चाह रहा हूँ, हिंदू सूअर भी बेचता है कि आप सूअर खाएंगे? सूअर खाइए, मेरे पास आइए, मैं आपको सारे सूअर फ्री दूंगा। जितना सूअर तुम जिहादी खा सकते हो, तुम सबको सूअर खाने के लिए चलिए हम इस बात के लिए चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लाइन देना चाहूँगा हमारे कुछ बुजुर्गों के लिए, जब गजनी जैसे गुंडों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर का सम्मान लुटाया हो, जब दुष्ट मोहम्मद गौरी से जयचंद मिल जाते हो, जब चिता जलाकर सतियों ने सम्मान बचाया हो, तब बन करके चौहान जवानी जागा करती है, युग का करने निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। अरे हिंदू सुधर जा, सुधर जा, एक वर्ड याद कर ले, मोहम्मद गौरी को जो पृथ्वी चौहान ने माफ़ किया था, 16 बार माफ़ किया था, वो जो गलती आज तक हमें भारी पड़ती है। तो कहते हमारे कवि कि समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना, पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया यह क्या गलती थोड़ी थी, मौका पाते ही गौरी ने आंख पृथ्वी की फोड़ी दी, अगर दंड मिल जाता उस कुलघाती को तो बढ़ता वह कुलघाती ना, समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। उसी मोहम्मद गौरी के वंशज आज भी हमारे आस पास गली गली मंडरा रहे हैं, जब वो मारते हुए हिंदुओं को फंस जाते हैं, फिर वो विक्टिम हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हर वो काम करना चाहता है जो उनके खिलाफ गैर वाजिब है, लेकिन जब संख्या में भारी हो जाते हैं तो वे सुरक्षित हो जाते हैं, अपने लोगों में आ जाते हैं, हथियार उठा के उन हिंदुओं का सरेआम भाईचारा के नाम पे कत्ल करते हैं। वो नारे लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा भाईचारा, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो हिंदू बन गया उनको चारा चारा की तरह काट देते हैं। मैं शोर पर कहता हूँ, वो गाय की हत्या करते हैं, वो गाय को रोटी के साथ खाते हैं, हम गाय के लिए रोटी निकालते हैं, हमारे बच्चों को सिखाया था अब पहली रोटी गाय में खिलाइए, तो गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला ये दो विचारधारा एक कभी नहीं हो सकती, ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। हम गुरु गोविंद सिंह से बड़े नहीं हैं, उनका पूरा परिवार इन लोगों से लड़ते हुए शहीद हो गया, महाराणा प्रताप जी संघर्ष करते हुए आखिरी समय तक लड़ते रहे, शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, सैकड़ों हजारों अन्य असंख्य हमारे बल्लारी वीर इनसे लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए, हमें संदेश लेके गए कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे, रोज कहते हो कल इन देशद्रोहियों से, गद्दारों से, गो हत्यारों से, जिहादियों से, लव जिहादियों से लड़ेंगे, अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे, कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे, अरे दिल में हो देश प्रेम का जज्बा तो नहीं कर सकता कोई कश्मीर में कब्जा, खून में अगर है रवानी तो कर दो भारत माता के नाम ये जवानी, कर दो भारत माता के नाम ये जवानी।
कहीं ऐसा ना हो ये धैर्य के हिमसिंह गल जाए, कहीं ऐसा ना हो ये धैर्य के हिमखंड गल जाए, सहज शालीनता के स्वर अंगारों में बदल जाए। जिन्हें है विद्वेष वंदे मातरम से, कहो उनसे वो भारत की सीमाओं से बाहर चले जाए, कहो उनसे कि वो भारत की सीमाओं से बाहर चले जाए। अरे बुलंद करो वंदे मातरम की आवाज, ना पड़ सके कानों में ये जिहादी आवाज। हिंदुस्तान को बना दिया इन्होंने कब्रिस्तान, कर दो इनको इसी में दफन, तभी होगा पूरा ये भारत माता का हवन, तभी होगा पूरा ये भारत माता का हवन। जय हिंदुराज, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत आभार।